शाम का समय है। हमारी बिल्डिंग भादुरिया अपार्टमेंट में सभी लोग रोज की तरह अपने अपने कामों से फ्री होकर बालकनी या सोसाइटी में आकर मिलते हैं। बच्चे खेलने में मस्त हैं और महिलाएं बैठकर आपस में बातें कर रही हैं। अचानक गली के कोने पर गोलगप्पे वाला आता है, अपनी घंटी बजाता है और लोग उसकी तरफ खींचने लगते हैं महिलाएं हंसते हुए। आज तो रूबी दीदी गोलगप्पे खाए बिना हम नहीं जाएंगे। आज भादुरिया अपार्टमेंट के लोग खुश हो जाएंगे। जबरदस्त गोलगप्पी है रूबी दीदी। भैया मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट बनाओ। बिल्कुल गट्टू बेटा, से पहले तुम्हारा ही बनेगा। फौजी भाई ने हमको बोल रखा है आपके लिए। क्या स्वाद है, मजा आ गया देव अंकल। राजू अंकल, हमें गोल गप्पे चाहिए। आओ बच्चों, लेकिन पहले जान लो, ये गोल गप्पे सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि जादुई हैं। मेरे दादाजी कहते थे कि इन गोल गप्पों में वो जादू है जो खुशी बांटता है। जब तुम इनका मजा लेते हो तो खुशियों की लहर फैलती है। बाजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है क्योंकि गोलगप्पे की दुकान अब आपके गांव गली मोहल्ले में लेकर आ गए हैं। तो देर बिल्कुल न करें, जल्द आए हमारे ठिलिया के पास। खुश होकर गट्टू, वाह ये तो अद्भुत हैं। क्या सच में इनमें जादू? हाँ दीपांशु, अगर तुम दिल से खुश हो तो गोलगप्पे और भी स्वादिष्ट लगेंगे। मैं अपने गोल गप्पों को पूरे नोएडा शहर में मशहूर करूंगा ताकि सबको खुशियां मिले। तो देर न करें, जल्द आएं हमारे प्रचार गाड़ी के पास और गोल गप्पे खा कर जाएं। मैं देव राजपूत कहानी का सूत्रधार और मजे से अपनी फैमिली के साथ भदुरिया अपार्टमेंट में रहता हूं। भदुरिया अपार्टमेंट के बाहर राजू के गोल गप्पे केवल एक नाश्ता नहीं बल्कि खुशियों और जादू का संगम है। छोटी छोटी खुशियां जीवन को सुंदर बनाती हैं।